हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट रही। ऐसे जब ट्रेंडिंग मार्केट रहती है, हमेशा आप सभी पैसे बनाते हैं, ठीक है। और कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी है, सो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आज मैंने जो ट्रेड प्लान किया, किस तरीके से ट्रेड किया, कल निफ्टी पे आप किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में हुआ क्या कि मार्केट ने अच्छा खासा गैप अप ओपन दिया, ठीक है। गैप अप ओपनिंग के बाद से मार्केट लाइक जो है हल्का सा स्लाइड डाउन हुआ, फिर यहाँ पे 50,000 का लेवल था जो कि बहुत एक क्रूशियल लेवल था। मैंने इसी जगह पे पुट बाइंग करी थी और 50,000 पे जब आके मार्केट साइडवेज हो गई ना, तो एक टाइम के लिए मैंने एक फिक्स्ड ट्रेलिंग ऐसा लग दिया था अपनी पोजीशन पे। 50,000 पे जब मार्केट साइडवेज हुई यहाँ पे, तो मैंने अपनी पोजीशन में फिक्स ट्रेलिंग ऐसा लग दिया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद से फिर जो है मैंने सोचा कि चलो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला तो उसको मैं बुक कर दूँ, तो फिर मैंने यहाँ पे जो है प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। उसके बाद मार्केट बहुत शानदार गिरी, अगर मैं होल्ड रखता तो बहुत बड़े पैसे बनते। फिर आखिरी में जाके यहां पे जो है एक कॉल बाइंग करी, उसमें भी अच्छे खासे पैसे बने। तो अब आपको मैं पोजीशंस दिखाता हूं। तो बेसिकली जो मैं सबसे पहली पोजीशन की बात कर रहा था, ठीक है, तो सबसे पहली जो पोजीशन में बोला ना कि मैंने स्टार्टिंग में ही पुट लिया था, तो दिस वॉज दैट पुट, ठीक है। आ जाते हैं यहां पर, ओके। सो यहाँ पे ये मैंने लगभग 347 पे खरीदा था, इसको 370 पे बेच दिया मैंने। वही हल्का सा मैं अगर ये वेट करता तो ये जो 370 वाला पुट था 560-570 रुपये तक गया था। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट और अगर मैं रुक जाता तो बहुत बड़े पैसे बनते, बट स्टिल मेरा ये था कि भैया एक्चुअली ये 40,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, बट मैंने बैक ऑफ द माइंड सोचा कि चलो कुछ मिल रहा है ले लेते, क्योंकि जो स्टॉप लॉस रखा था उसमें मैक्स टू मैक्स 10,000 का लॉस होता। बट पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मुझे लगा 50,000 पे बेस बन जाएगा, क्योंकि 50,000 पे ओआई जाते था, दैट्स व्हाई इस पोजीशन को मैंने बुक कर दिया। फिर एक मैंने पुट का ट्रेड लिया था शाम के सेशन में, जिसमें पर्टिकुलरली मेरा एक एसएल हिट हुआ, फिक्स जैसे लगा के रखा था, तो 53,000 का एसएल हिट हुआ। फिर ये जो मेरा था वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड था, जिसको मैंने वही जो ब्रेकआउट आया था, सबने हमने साथ में ट्रेड किया था, 119 पे खरीदा था, 270 पे बेचा। पॉइंट्स कैलकुलेट करो कितने बड़े पॉइंट्स कैप्चर किए, लगभग 1,34,000 के आसपास इस ट्रेड में बना। फिर ये जस्ट वो 1,00,000 मेरा 99,000 का प्रॉफिट था, तो एक स्कैल्पिंग में कर रहा था 1,00,000 के ऊपर करने के लिए, तो वो तो मजे मजे में ये किया था, तो ये था। तो ओवरऑल ये पूरा आज का प्रॉफिट था, ठीक है। इस तरीके से जो है मैंने ट्रेड किया, मैं रिफ्रेश कर देता हूं सभी इसको, तो ताकि सब आप देख सको एग्जैक्टली किस तरीके से है। 1,03,000 के आसपास नेट टू नेट प्रॉफिट हुआ। सबसे बड़ा प्रॉफिट यहां पे हमने कैप्चर किया, लगभग 150 पॉइंट का कैप्चर हमने किया 900 क्वांटिटी में, जो कि एक बहुत तगड़ा ट्रेड था। 1,45,000 के आसपास हाईएस्ट गया था, बट स्टिल उतना जाके बुक हुआ। तो नेट टू नेट आज का ये प्रॉफिट था, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रॉफिट था इसी बैंक निफ्टी के, हमने ब्रेकआउट में इसको पकड़ा था, यहां से लेकर यहां तक मैंने एकदम टॉप पे के आसपास बुक किया था, फिर प्राइस रिट्रेस हो गया, फिर एक फ्रेश हाई लगाई थी, ठीक है। तो ये था आज का, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं कि कल आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है बैंक निफ्टी हम देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट में, तो बैंक निफ्टी देखना इज लाइक मोर अच्छा रहेगा, ठीक है। निफ्टी अभी हम बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना गाइस, तो इसी जगह पे जो है बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। इसी सेम पॉइंट पे जो है बैंक निफ्टी वो बार बार काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहीं पे बार बार बैंक निफ्टी जो है वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, बैंक निफ्टी कल अगर इसी जोन के आसपास फ्लैट खुलता है, यहीं कहीं बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुले इसी जगह के आसपास या हल्का सा नीचे भी फ्लैट खुले, तो आपको देखना है क्या ये जोन टूट रहा है। अगर ये जोन टूटेगा तो बहुत अच्छे पैसे आपको यहाँ पे बनाने की अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि अगर मैं आपको बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दिखाऊं गाइस, यहाँ पे अगर आपको बैंक निफ्टी में दिखाऊं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना गाइस, तो यहाँ पे ना सेम वही चीज़, प्राइस यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकडाउन दी थी, फिर एक बार ऊपर गए यहीं से बड़ा ब्रेकडाउन आया, फिर प्राइस देखो, देख जाओ पेन टूल मेरा कहाँ गया, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। आ जा भैया, हाँ, तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे, यहाँ पे बड़ा ब्रेकडाउन मिला है, ठीक। प्राइस फिर आई पुल बैक करके यहीं से गिरी, फिर एक बार ऊपर गैप अप खुली, फिर सस्टेन हुई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से पुल बैक करके गिरी, आज भी यहीं कहीं से सस्टेन करके नीचे गई, फिर आज आके यहीं पे रुकी हुई थी। तो आप लॉजिकली समझोगे कि बहुत मेजर एक रेजिस्टेंस है। तो आपको सिंपली इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्क कर लेना है, ठीक है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप इस जोन को मार्क कर लेंगे, बहुत क्रूशियल जोन है बैंक निफ्टी के लिए। और कल अगर मार्केट हल्का सा नीचे खुले, ठीक है, अगर हल्का सा गैप डाउन भी खुल गई, लेट्स सपोज मार्केट जो है गैप डाउन यहाँ कहीं खुल गए, ठीक है, ऊपर जाके हल्का सा कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, लगभग 200-300 पॉइंट का एटलीस्ट मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी में रहेगा, ठीक है। बहुत प्यारा मूव रहेगा, इसको आप ट्रेड आप करके दिन में कर सकते हो, फ्लैट खुले मार्केट या हल्का सा गैप डाउन खुल के आने के बाद यहाँ कंसोलिडेट करें। तो ये मेरा इस ट्रेड के लिए पर्सनली मैं वेट करूंगा, क्योंकि कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा है मार्केट में, और अगर ब्रेकआउट है तो अच्छा मूव मिलेगा। बात करते हैं कि सेलिंग सिनेरियो क्या रहेगा, सेलिंग में आप कैसे प्लान कर सकते हो आज के दिन बैंक निफ्टी को, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कल के दिन सेलिंग में कैसे प्लान करोगे, तो अगर आप सेलिंग में ट्रेड ढूंढना चाहते हो तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना गाइस, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ तो मज़ा आएगा आपको देखने में। तो यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इस चार्ट को मैं आपको दिखाता हूँ,
ये एक ट्रेंड लाइन है हल्की सी, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को पहले मार्क कर लेना है, ये ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी पकड़ के चल रहा है, ठीक है। अब कल जो है क्या होता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास आती है, ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन करती है तो आपको आज के डेलो तक का यहाँ तक आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। मैंने बताया कि नीचे खुल के अगर ऊपर जाकर रिकवरी करके कंसोलिडेट करे तो ऊपर का ब्रेकआउट, नीचे अगर आएगी यहाँ कंसोलिडेट करके इधर ब्रेकडाउन देगी तो यहाँ का मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन को मार्क किया, मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ कंसोलिडेट कर रही है और ब्रेकडाउन दे रही है, तो आपको यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। और सिनेरियो अगर हम बात कर लें, क्या होगा, मार्केट अगर गैप डाउन अच्छा खासा खुल जाए यहाँ कहीं इस जोन के आसपास खुलती है तो आप भैया ये जोन का वेट करना, ये जोन टूटेगा तो इसके नीचे तक का टारगेट मिल सकता है, ठीक है। ये क्लियर थोड़ा सा प्लान है हमारा कल के दिन बैंक निफ्टी में, ठीक है। बेस्ट ट्रेड क्या रहेगा, बेस्ट मैं ऊपर के साइड ब्रेकआउट का वेट करूंगा, ऊपर के साइड ब्रेकआउट मिलेगा तो हो सकता है अच्छा पॉसिबिलिटी बने ट्रेड करने के लिए और पैसे बनाने के लिए, ठीक है। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में भी मेरा ट्रेडिंग प्लान ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही रहने वाला है, क्योंकि अगर आप ध्यान से यहाँ पे निफ्टी देखोगे ना गाइस, ठीक है, निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, निफ्टी में भी वही सेम उसी तरीके से जोन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप निफ्टी में आज का हाई मार्क कर लेना, सबसे पहले दिस इज द हाई, ठीक है, इसे आपको क्लियरली मार्क करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं पेन को और चौड़ा कर दूंगा इस, तब और बहुत परफेक्ट बनेगा। ये जो है आपको जोन मार्क कर लेना है, ठीक है। आपने ये जोन मार्क कर लिया इसमें निफ्टी में, तो नीचे से इसमें ये वाली जो है पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन बन रही है, तो आपको क्या करना है, सिंपली मार्क कर लेना है ये दोनों जोन जो है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मार्केट के लिए। दिस पॉइंट इज द बेस पॉइंट फॉर द मार्केट, ठीक है, ये मार्केट के लिए बेस है ये एरिया, ठीक है। एक बार मैं क्लीन करके सारे जो ड्रॉइंग्स है वो क्लियर बना देता हूँ। दिस इज द रेजिस्टेंस पॉइंट, दिस इज द ट्रेंड लाइन एंड दिस इज द बेस, ठीक है। ये आपको मार्क कर लेना है निफ्टी में, ठीक है। कल मार्केट अगर फ्लैट खुलेगी यहीं कहीं और अगर ऊपर का ब्रेकआउट देगी तो सेम जैसे बैंक निफ्टी भागेगा उसी तरीके से निफ्टी भाग सकता है, क्योंकि ये देखोगे पूरा का पूरा यहीं पे जोन है, ठीक है। पूरे के पूरे जो है निफ्टी में हर बार यहीं से रेजिस्टेंस फेस होकर आया, नीचे गया, यहाँ से आके फिर नीचे गिरा, फिर यहीं से आया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहीं से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि क्लियरली ये जो है बहुत एक मेजर रेजिस्टेंस है, दिस पॉइंट इज वन ऑफ द मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट इन निफ्टी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी पॉइंट को जो है मार्क कर लेना है, ठीक है। और फ्लैट खुलेगी मार्केट और अगर इसका ब्रेकआउट देगी तो ऊपर का मोमेंटम, और अगर ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो दिस इज द ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये अगर कल नेगेटिव खुल के यहीं कहीं कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकडाउन देती है तो यहाँ तक आपको टारगेट निफ्टी में मिल सकता है नीचे के साइड में। ऊपर का ट्रेड लाइन बता दिया, इस जोन के ऊपर बाइंग हो सकती है। अगर नीचे खुले और ट्रेंड लाइन पे साइडवेज हो गए, थोड़ा सा अगर ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे यहाँ तक का टारगेट आपको ट्रेंड लाइन में देखने को मिल सकता है। क्या होगा, मार्केट अगर नीचे खुल जाए, लेट्स सपोज मार्केट अगर यहाँ कहीं खुलती है तो यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे आने के बाद अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी तो यहाँ तक का टारगेट, और अगर इसको ब्रेकडाउन देगी तो फिर नीचे और सेलिंग आपको मिल सकती है यहाँ तक के जोन के लिए, ठीक है। ये प्लान होने वाला है। तो सारे सिनेरियो मैंने आपको ओवरऑल समझा दिए हैं कि किस तरीके से आपको निफ्टी में प्लान करना है, किस तरीके से बैंक निफ्टी में प्लान करना है, सारे आपको जोन्स दे दिए हैं, ठीक है। क्लियरली नीचे खुलेगी, गैप डाउन अगर खुलेगी तो यहाँ पे आके मार्केट डिसाइड करेगी, यहाँ के आने के बाद सपोर्ट बनेगा कि ब्रेकडाउन होगा। ऊपर अगर यहाँ फ्लैट खुलती है तो इसका ब्रेकआउट होगा तो बाइंग मूव मिल जाएगा। यहीं गैप डाउन खुल के यहाँ कहीं खुलती है ट्रेंड लाइन पे तो नीचे ब्रेकडाउन होगी तो नीचे का मूव, ठीक है। ये मेरे जो है ट्रेडिंग प्लान्स हैं कल के लिए, कुछ इस तरीके से जो है मैं निफ्टी को पर्सनली ट्रेड करने वाला हूँ। ज़्यादा फोकस मेरा बैंक निफ्टी पे रहेगा, अगेन क्योंकि मैं एक बैंक निफ्टी ट्रेडर हूँ, मैं ज़्यादा अपने ट्रेड्स वहीं पर करता हूँ, बट स्टिल कभी कभार निफ्टी भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।